पर अब थोड़ा सा ये मुझे डर लगता है कि अच्छे रोड बना के मैं अच्छा कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वी आर रेडी विथ यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स ऑन फ्लेक्स इंजिन, आइदर यू कैन यूज 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल, आप बोलो हम लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो ये 15-20% की बातें नहीं, 100% आई है। तो ये 100% यूज होगा तो फिर काय के लिए कोटा निश्चित करो, जिसको आला डाल ले दो इथेनॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना बनाएंगे उतनी रिक्वायरमेंट। मैं अक्सर एक बात, वेदर यू वॉन्ट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, वी वॉन्ट टू लीड द पीपल, जो हमारा कन्विक्शन है उसके आधार पर हम ये लाएंगे और ये करेंगे। ये मैं बहुत बार कहता हूँ, मुझे एक ने कहा कि आप इतने रोड कैसे बनाते, पैसा कहाँ से आता, टेक्नोलॉजी कहाँ है, तुमको क्या समझता है? बोला मुझे कुछ समझता नहीं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं। बोले लोग बोलते हैं आप इंजीनियरिंग का बहुत समझ, मुझे कोई नहीं समझता। बोले आप फाइनेंस के बहुत एक्सपर्ट हो, मतलब बिल्कुल नहीं, मैं कभी सेकेंड फर्स्ट क्लास में पास नहीं हुआ, हायर सेकेंड क्लास में पास हुआ था, मुझे ज़्यादा अकल नहीं है। बोले काम कैसे होता है? और मैं अभी पुणे में जाने वाला हूँ, मेरा मतलब पुणे में इसके बाद ऑटो रिक्शा जो होगा वो 100% बायो इथेनॉल पर ही चलेगा। एक बात जरूर है कि फ्लेक्स इंजन होने के बाद अगर 3-4 साल में, तो ये 1-8 साल में ही मेरी कोशिश है कि अब पेट्रोल वाले जितने हैं वो सब स्कूटर मोटरसाइकिल कार पेट्रोल इंजन विल बी द फ्लेक्स इंजन। अमेरिका में सोयाबीन केक का उन्होंने चने का पाउडर और सोयाबीन केक करके वेज मटन और वेज चिकन बनाया, और ओरिजिनल चिकन और मटन में 30% वो डाल रहे हैं। तो ये गरीब लोगों को सस्ता मटन मिल जाएगा, जो भाव है उससे 25% में ये मटन मिल जाएगा, तो मटन खाने का भी आनंद मिलेगा और गरीब लोग खाएंगे तो प्रोटीन भी मिलेगा। और लगभग मैंने उनको कहा ये करोगे तो आता, उन्हें तो नहीं आता। जैसे मैंने बजाज और टीवीएस वाले दोनों एमडी अच्छे हैं, उनको कहा था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और इथेनॉल की स्कूटर दोनों करोगे तैयार तो तुम कोई काम के लिए मेरे पास आना, नहीं तो नहीं आना। और आज मैं मेरे पास ये आए थे जेसीबी के चेयरमैन, और वो मुझे बता रहे थे कि मैंने उनको कहा कि जेसीबी को डीजल से बदलो तो सीएनजी पे कन्वर्ट किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट 3,000 करोड़ का है सर, बिकॉज ऑफ यू हम रशिया को पूरा सीएनजी बेस जेसीबी बेच रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया और हम बहुत खुश हैं और अब 100% सीएनजी पर जाएंगे। तो मैंने उनको बताया तुम सीएनजी पे जाओ तो फिर तुम दूसरा करो ना, तुम डीजल इंजन के बजाय पेट्रोल इंजन को फ्लेक्स इंजन में कन्वर्ट करके आप 100% बायो इथेनॉल पर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को लाओ। तो मैं अभी इनॉग्रेशन करने के लिए बंगलोर जाने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी का, और लगभग मैंने उनको कहा ये करोगे तो आता, उन्हें तो नहीं आता। जैसे मैंने बजाज और टीवीएस वाले दोनों एमडी अच्छे हैं, उनको कहा था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और इथेनॉल की स्कूटर दोनों करोगे तैयार तो तुम कोई काम के लिए मेरे पास आना, नहीं तो नहीं आना। दोनों ने भी कर ली, अब इथेनॉल की बाइक भी हो गई 100%, इथेनॉल की स्कूटर भी हो गई, अब इलेक्ट्रिक की भी बाइक और स्कूटर अब आ गई उनकी दोनों की। अब पुणे में 3 इथेनॉल के पंप खुले हैं, कल वो मुझे महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त आए थे ढाकने जी, और मैं अभी पुणे में जाने वाला हूँ, मेरा मतलब पुणे में इसके बाद ऑटो रिक्शा जो होगा वो 100% बायो इथेनॉल पर ही चलेगा। अब इथेनॉल पंप को भी परमिशन दी है भारत सरकार ने, और वही तरुण कपूर जी के साथ मेरी बातचीत हो गई। अब पेट्रोल इंडियन ऑयल और सब कंपनियों को भी वो ऑर्डर दे रहे कि भाई तुम इथेनॉल के पंप शुरू करो 100%। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से इथेनॉल के खूब रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई कमी नहीं। अभी 465 करोड़ लीटर इथेनॉल देश में मिलता है तो 5% का ऐड हो रहा है, जब 20-22% तक जाने का है तो ये रिक्वायरमेंट आराम से 2,500 करोड़ लीटर तो यही होगी। और मैंने प्रेम से भी कहा और दंडा भी लगाऊंगा नहीं, तो मैंने उनको बता दिया कि ये, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि विक्रम किर्लोस्कर टोयोटो के चेयरमैन मेरे पास परसों नागपुर आए थे, और उन्होंने मुझे कहा कि वी आर रेडी विथ यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स ऑन फ्लेक्स इंजिन, आइदर यू कैन यूज 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल, आप बोलो हम लॉन्च करने के लिए तैयार। तो ये 15-20% की बातें नहीं, 100% आई। तो ये 100% यूज होगा तो फिर काय के लिए कोटा निश्चित करो, जिसको आला है डाल ले दो इथेनॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना बनाएंगे उतनी रिक्वायरमेंट है। और इसलिए आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी होगी। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी हमने देश में बना ली है, और IITs, ISRO, DRDO
ये एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन और सोडियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी पर लगभग अंतिम स्टेप पर है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाई है वो ईवी सेल को भी बूस्ट करेगा, चीप कंपोनेंट्स होंगे और 25-30% कॉस्ट ऑफ रिडक्शन कम होगा। हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ प्लास्टिक भी कुछ प्रमाण में बाहर आता है। तो ये जो पूरा मैंने सब, जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने 18 मीटर ड्राफ्ट कर दिया है। तो मैं अब ये कहने कि मैंने बीच में एनवायरनमेंट वालों को टायर इंपोर्ट बंदी करी, मना मत करो, हिंदुस्तान की प्रगति अगर कोई बात है तो दुनिया का जितना वेस्ट है उतना देश में आने दो। अब टायर जो है उसके पाउडर जो निकलेगी वो बिटुमिन में जाती है, तो रबर, रबराइज बिटुमिन तैयार होगा तो रोड अच्छे होंगे। ऑस्ट्रेलिया, अपना सिंगापुर और इंडोनेशिया, मलेशिया में टेक्नोलॉजी आई कि उन्होंने जो ऊपर वाला बीम है वो प्रीकास्ट किया, उसमें स्टील फाइबर यूज किया। तो स्टील फाइबर यूज करने के कारण नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पियर ये 30 मीटर के बजाय 120 मीटर तक जा सकता है, यानी ये मेट्रो वगैरह की कॉस्ट जो है ये 40% कम हो सकती है, हमारे ब्रिज की कॉस्ट 40% कम हो सकती है। और वो जो बीम प्रीकास्ट हो रहा है उसमें जो वायर निकलती है टायर की, उसका वेस्ट निकाल कर स्टील फाइबर डाल देंगे, तो वो वैसे भी स्टील वाले बहुत रेट बढ़ा रहे हैं, तो ये टायर का स्टील निकलेगा दुनिया का वेस्ट और वो डाल के उसमें डाल देंगे, तो वो दोनों भी काम हो जाएगा। स्टील की डिमांड भी इंडिया में कम हो जाएगी ताकि ये लोग जमीन पर आ जाए, स्टील और सीमेंट वाले, और कम से कम इसका यूज भी हो जाएगा। जो इंपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स सच एज NDF मैग्नेट, ये कार स्क्रैपिंग के अंदर ऑलरेडी मिलता है, तो इसका भी इंपोर्ट हमारा अभी चाइना से आ रहा कम होगा। और जो PLI स्कीम है 18,100 करोड़ फॉर 5 ईयर्स जो सैंक्शन की हुए, वो एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए है, तो इसके कारण ये निश्चित रूप से बदल जाएगा, जो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और 57,000 करोड़ फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम है। अब ये इंडस्ट्री का वॉल्यूम 7.5 लाख करोड़ का है, और मेरा पूरा, मैं जब इसका मंत्री हूँ तो मैं बिल्कुल पीछे लगा हूँ कि 5 साल के अंदर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी 15 लाख करोड़ की, और हम हिंदुस्तान ये वर्ल्ड में ऑल एक्सपोर्ट करने वाली पहली कंट्री होगी जिसमें हमारी मर्सिडीज है, BMW है, टोयोटा, होंडा है, सब अपने आए, और यहाँ के सब जगह पर अब वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो हमारे ग्रोथ रेट में उसका इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बड़ा फायदा होगा। इंडियन ऑयल के साथ मैंने एक वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर के रूप में इंडियन ऑयल के साथ ये मथुरा में हमने एक प्रोजेक्ट किया है, वो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को जो पानी लगता था तो 80 MLD स्लज मथुरा की वो लेकर एक हमने हाइब्रिड NUT में रोड बनाते हैं, तो हमने हाइब्रिड NUT में ये प्रोजेक्ट बनाया, 40% फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने वो प्रोजेक्ट लगभग मुझे लगता पूरा हुआ होगा, अभी पूरा हुआ कि होने का हो गया, तो वो प्रोजेक्ट में 60% उन्होंने लाया और इंडियन ऑयल अब उससे पानी ले रही तो 20 करोड़ उसको दे रही है, तो प्रोजेक्ट वायबल हो गया, तो 80 MLD स्लज का निकाल लग गया। तो आज मुझे लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन सुवेज वाटर से और सॉलिड वेस्ट में ऑर्गेनिक वेस्ट को निकाल कर उसको मिथेन में कन्वर्ट करके वो बायो LNG बनाने के बजाय अगर ग्रीन हाइड्रोजन होता है, देखो दैट आई डोंट नो वेदर विच इज़ इकोनॉमिकली वायबल। तो मुझे लगता है कि सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग कचरे के जो डंप यार्ड है वहीं हम सोलर पावर जनरेट करें, जो 1 रुपया 60 पैसे तक 70 पैसे तक आएगी और पानी फुकट में आएगा, और इलेक्ट्रोलाइजर में आप लोग अगर करेंगे तो दैट कैन बी वन सोर्स, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। अमरीका में सोयाबीन केक का उन्होंने चने का पाउडर और सोयाबीन केक करके वेज मटन और वेज चिकन बनाया, और ओरिजिनल चिकन और मटन में 30% वो डाल रहे हैं। तो ये जो वेज चिकन और वेज मटन का कंसेप्ट है, मैं तो शाकाहारी हूँ, पर ये जो कंसेप्ट है इसमें 49% प्रोटीन्स हैं,
तो ये गरीब लोगों को सस्ता मटन मिल जाएगा, जो भाव है उससे 25% में ये मटन मिल जाएगा, तो मटन खाने का भी आनंद मिलेगा और गरीब लोग खाएंगे तो प्रोटीन भी मिलेगा, तो उसमें भी पैरेलल रिसर्च होगा तो वो भी फायदा काफी होगा। सब पेट्रोल के इंजन अगर फ्लेक्स इंजन बन जाएंगे उसमें कोई कॉस्ट नहीं बढ़ती। थाईलैंड में गाड़ियां हैं और मैंने अभी उनको कहा कि एक गाड़ी मुझे दे दो, मैं पीछे में बोर्ड लगा के प्रचार करके घूमूंगा कि गाड़ी 100% बायो इथेनॉल पर है। मैंने मेरा ट्रैक्टर जो है वो बायो सीएनजी पे बनाया है, 125,000 रुपये साल की बचत है। एक बात जरूर है कि फ्लेक्स इंजन होने के बाद अगर 3-4 साल में, तो ये 1-8 साल में ही मेरी कोशिश है कि अब पेट्रोल वाले जितने हैं वो सब स्कूटर मोटरसाइकिल कार पेट्रोल इंजन विल बी द फ्लेक्स इंजन। और एक दूसरी बात, जो परसों 2 प्रेजेंटेशन हुए, एक सीएम के साथ ही मेरा कार्यक्रम था, तो ब्राज़ील के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उसमें थे और एक समय ब्राज़ील के एक्सपर्ट भी मेरे साथ थे। तो ब्राज़ील एयरफोर्स इथेनॉल यूज कर रहा है पूरा इसमें, मुझे जहाँ तक जानकारी वो 50% एविएशन फ्यूल में इथेनॉल डाल रहे। और अभी हमने जिनका सत्कार किया डेहराडून के हमारे इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अपने डॉक्टर हमने उनके एक सहयोग से स्पाइस जेट का फ्लाइट, नमस्कार, ये 50% बायो फ्यूल से यहाँ लाया था। तो अब इंडियन ऑयल और ये इंस्टीट्यूट ये चैलेंज करेगी एयरफोर्स में भी हमारे फ्यूल में अगर 50% इथेनॉल ऑलरेडी थे उसके स्टैंडर्ड ब्राज़ील में तय हुए हैं तो वो भी एक सोर्स बन जाएगा और हमारा इम्पोर्ट कम हो जाएगा एविएशन फ्यूल में भी। तो अभी नई नई बातें जो हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक और बैटरी केमिस्ट्री में आगे हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। उसके आधार पर हमारा मिशन का टारगेट है कि जिस दिन हिंदुस्तान का इंपोर्ट जीरो होगा गैस एंड पेट्रोलियम में, तब तक इसको हमको आगे बढ़ाना है और इससे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। तो मैं अक्सर एक बात, वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, वी वांट टू लीड द पीपल, जो हमारा कन्विक्शन है उसके आधार पर हम ये लाएंगे और ये करेंगे। ये मैं बहुत बार कहता हूँ, मुझे एक ने कहा कि आप इतने रोड कैसे बनाते, पैसा कहाँ से आता, टेक्नोलॉजी कहाँ है, तुमको क्या समझता है? मतलब मुझे कुछ समझता नहीं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं। बोले लोग बोलते हैं आप इंजीनियरिंग का बहुत समझ, मुझे कोई नहीं समझता। बोले आप फाइनेंस के बहुत एक्सपर्ट हो, मतलब बिल्कुल नहीं, मैं कभी सेकेंड फर्स्ट क्लास में पास नहीं हुआ, हायर सेकेंड क्लास में पास हुआ था, मुझे ज़्यादा अकल नहीं है। बोले काम कैसे होता है? तो मैं उनको कहता हूँ मेरी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल इज द स्ट्रेंथ फॉर मी, एंड इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, एंड इफ देर इज नो विल देर इज ओनली सर्वे डिस्कशन सेमिनार कमिटी सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। सो आई ऑलवेज स्टैंड विद द थिंग, मैं ठोको होना चाहिए, पर अब थोड़ा सा ये मुझे डर लगता है कि अच्छे रोड बना के मैं अच्छा कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि रेलवे का शेयर कम नहीं होना चाहिए और यह देश के लिए भी आवश्यक है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 16-17% है वो 10% में आएगी। अब LNG का भी यूज़ हो रहा है तो मुझे इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की बात हम कर रहे हैं, तो 100% मुझे लगता है कि अब इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इन्होंने पहले से ही डाइवर्सिफिकेशन कर देना चाहिए, नहीं तो पूरी इलेक्ट्रिक आएगी तो आपके पास काम ही नहीं रहेगा कोई।